बुक पढ़ने का एक नशा आना चाहिए। पहले नशा ऐसा नहीं आता है, सबको बताने अच्छा लगता है, मैं बुक पढ़ता हूँ तो जनरली बोलते हैं, लेकिन पढ़ना उतना अच्छा नहीं लगता। पहले काम करना है अपने को, पहले बुक हाथ में लेके घूमो। अब पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे अलग बात है, लेके घूमो। फिर कभी कभी ये किधर अटक जाओगे 10-15 मिनट, तो एक बार रीड करना चालू करोगे। ऐसा करते करते आपको उसके अंदर अट्रैक्शन आ जाएगा, आपको पकड़ हो जाएगी, राइट, ये ऐसा बुक पढ़ना है का। और ज़्यादातर कहीं पर हम लोग 10 बुक लेके नहीं जा सकते हैं, तो उसके लिए एक बुक, हज़ारों बुक एक में लेके जा सकते हैं, वो है किंडल। मैं पहले सोचा था कि यार सैमसंग टैब भी पड़ा है उसमें तो रीड कर सकते हैं, लेकिन बाद में तो पता चला इसकी चीज़ ही कुछ अलग है। बड़ा करना तो बड़ा कर सकते हैं आप उसमें, व्यूज बढ़ाना है, पेज चेंज करना, एक दबाने से पेज चेंज हो जाएगा। सेकंड, आप कोई चीज़ को समझते नहीं तो उसको टाइप करेंगे आपको मीनिंग के साथ आ जाएगा, उसको हाईलाइट कर सकते हैं, ज़्यादा दिन चलेगा ये। छोटा सा पैकेट में पीछे रख सकते हैं, इतना छोटा सा आपको बहुत काम आएगा। और पढ़ने का नशा आप लेके आओ, क्योंकि हाल ही में मैंने कुछ 1000-1500 बुक्स मैंने इकट्ठा किया और इतना इतना मज़ा आया, लगता है यार 24 घंटा कम है यार, थोड़ा ज़्यादा टाइम दे दो, इतना बुक पढ़ना है, जीवन जल्दी ख़त्म हो जाएगा, ऐसा मुझे एक प्यास आया। मेरे बस चले तो स्कूल में सबको जितना जितना बुक्स है ना, अचीवमेंट्स, जो बड़े बड़े लोग जो दुनिया चेंज किए हैं, और जो जो इन्फ्लुएंस, बहुत सारे बुक्स हैं ना जो लोगों की ज़िंदगी सोच विचार, ये लोग अपना पूरा ज़िंदगी एक सोच में डाल देते हैं। रॉबर्ट सिली डिलियानी ऐसा कुछ उनका नाम है, वो बुक आपने पढ़ा होगा इन्फ्लुएंस करके। इन्फ्लुएंस उनका पहले बुक था, सेकंड बुक पर्सुएसिव। प्लीज़ ये बुक पढ़िए, मैं हर एक को ये बताता हूँ। हाल ही में मेरा न्यूजीलैंड से किसी का कॉल आया था उनका कोचिंग के लिए, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि आपको मैं कोचिंग मेंटर बनने से पहले मैंने 70% 90% मैंने तय करके आया था कि आपके पास मुझे मेंटरशिप लेना है। 10-20% बात करेंगे फिर करेंगे। ये मेरा एक्टिविटीज़ कैसे आया, पर्सुएसिव बुक्स से आया, क्योंकि वो बोलते हैं कि कस्टमर आपके सामने आके बैठने से पहले वो कन्विंस हो जाना चाहिए, आपको मिलने से पहले, आपके सामने बैठने से पहले, ये ऐसा बुक्स में है। मैंने वो बुक पढ़ा, मेरी पूरा एक्टिविटीज़ मैंने ऐसी की। तो मेरे सामने जब भी कस्टमर आके मेरे कोचिंग की बात करते हैं, डन होते हैं। तो ये सब चीज़ स्कूल्स में, बुक्स में हमें पढ़ना चाहिए। ये सब छोड़ के क्या गाना, हर गाना गाते हो, हर गाना सुनते हो, 2-2 घंटा 3-3 घंटा एक एक गाना सुनते हो, प्यार मोहब्बत ये क्या होता है यार, पता नहीं उसमें नशा होगा। मेरे को इसमें बहुत नशा है, ये नशा बहुत भयंकर नशा है, ठीक है, इसको आप यूज़ करो और धमाल करो। थैंक यू।